खबर दिल्ली से। भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। जल भराव के कारण दिल्ली में डूब गई कारें और गुरुद्वारे में भी घुसा पानी। वहीं दिल्ली में भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध के तौर पर जल भराव के बीच नाव चलाई। दिल्ली MCD मेयर शेली ओब्राय ने बताया, पिछली बार से स्थिति काफी बेहतर है। मानसून की पहली बारिश है, सभी जगह चिन्हित हो चुकी है। तमाम अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जहाँ भी जल भराव है वहाँ काम जारी है। दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति फिर नहीं मिलेगी। ओ चरणजीत से फंसी हुए थे। हेलो हेलो, मैं चप्पल ले आया, चप्पल चरणजीत चरणजीत मैं चप्पल ले देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स MCD इरिगेशन फ्लड PWD साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड तमाम अधिकारी सभी डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। देखिए, पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं, और जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जल भराव ना हो। देखिए, अभी हम यहाँ पर ITPO पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी, अभी हो सकता है अभी किशनगंज है वहां पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं, साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड हैं, बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहां पर खड़ी हैं। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर राउंड करने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।